हेलो हमारे यूट्यूब फैन है, उसके बाद हम दरवाजा खोलते हैं। शानदार लगता है बिल्कुल हमारे पीछे की गैलरी में मेरे एक्स्ट्रा साथ में रह रहे हैं। सीरियसली बहुत बहुत अच्छी वाली। हेलो माय ड्यू फैमिली, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी चैता दरक। सो आज का व्लॉग बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सबके डिमांड पे मैं लेके आई हूं मेरे गुड़गांव वाला होम टूर, जो कि आप लोगों के बहुत 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 ज्यादा रिक्वेस्ट थे कि दीदी आपका होम दिखाओ कैसा भी है। मतलब ये हमारा छोटू सा घर है, बट बहुत ज्यादा पसंद है। और लास्ट 6-7 मंथ से हम यहाँ रह रहे हैं, तो डेफिनेटली इस घर से हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई है। तो मुझे लगा कि अब मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो यहाँ है लिफ्ट, जो कि हमारा फ्लोर है सेकेंड फ्लोर, स्टेयर्स भी हैं, सारी चीजें हमारे घर पे। तो यहाँ से आती है लिफ्ट और यहाँ से आती है हमारे घर का एंट्रेंस। तो ये है हमारे घर का एंट्रेंस। यहाँ पे देखो जेटू सहिता लिखा हुआ है, हमारा नाम भी प्रॉपरली, और ये है एंट्रेंस जो कि बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारे घर का दरवाजा, जिसमें ये दिखा हुआ है कि हम काका जाके करके देख सकते हैं। यहाँ से मैं देखूंगी, पहले हम ऐसे देखते हैं कौन है, उसके बाद हम दरवाजा खोलते हैं। तो बैल वगैरह है, तो चलिए मेरे घर पे एंट्री करवाते हैं आपकी। बट करवाने से पहले मैं आपको मिलाती हूँ मेरे सासू माँ ससुर जी से। तो ये है मेरी सासू माँ, ये है मेरे ससुर जी, जो कि दुनिया में तो नहीं है बट हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमेशा हमारे उनका जो आशीर्वाद है वो हम पे हमेशा बनाए रखते हैं। मतलब उनके बिना तो हम वैसे भी कुछ नहीं है, तो उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर। ये है मेरा प्यारा सा ड्राइंग रूम, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारा सा हॉल है। मुझे पर्सनली यहाँ पे टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरे बहुत ही प्यारा सा मिरर लगा हुआ है, जिसमें मैं खुद को निहारती भी हूँ और वीडियोज भी बनाती हूँ, है ना। फिर आपको दिखाती हूँ मैं मेरे घर के सोफे हैं, बहुत ही सुंदर सी है। ये सोफे आज से 4 साल पहले ही हमने खरीद लिए थे, जब हम गुड़गांव में थे तब से हम इसको ले लेके चल रहे हैं। तो ये ऐसे खुलते भी हैं और वैसे हैं सारे झूला झूलने वाले, झूला। ये ऐसे सोफे हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि मेरे घर की गैलरी में। गैलरी में लेके जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है, अगर बंद कर दे तो ये व्यू है हमारे घर का, क्योंकि बहुत ही शानदार लगता है। बिल्कुल सुबह का टाइम अर्ली मॉर्निंग वाला जो व्यू है ना, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। कोयल की कुहू कुहू बोलती है, पूरी मेरी नहीं बोलती है। तो ये है गैलरी जो आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर सी है, बहुत लंबी सारी है, ऐसी नहीं है कि छोटी सी है। तो दिवाली का टाइम है तो अभी सारा डेकोरेशन चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि मेरे घर के सामने है बहुत ही प्यारा सा पार्क, जो कि यहाँ पे ही मैं मेरे वर्कआउट्स करती हूँ, मैं रनिंग करती हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, सारी चीज़ें उस पार्क में करती हूँ। और ऑलमोस्ट वीडियोज़ मैं यहाँ पे गैलरी में बनाती हूँ, और मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है मेरी प्यारी सी गैलरी। चलिए आपको दिखा दें हम बाकी रूम्स, है ना। तो आपका टाइम भी नहीं वेस्ट हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट मेरे घर का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं भी लास्ट में बताऊँगी आपको, है ना। तो आइए आपको लेके चलते हैं हमारे घर के सारे रूम्स दिखाती हूँ। मेरे घर पे है 1, 2, 3, 4, टोटल 4 रूम्स हैं, 2 गैलरी हैं, किचन है, हॉल है, ये है सारी चीज़ें मेरे घर पे, है ना। तो आइए अब मैं लेके चलती हूँ, पहले मैं लेके चलती हूँ मेरे किचन में। आइए, ये है मेरा किचन जो कि बहुत ही प्यारा है, और मुझे इंस्टा के रील्स पे और मेरे यूट्यूब पे व्लॉग्स में सब जगह बोलते हैं कि दीदी आपका किचन बहुत ही सुंदर है। तो ये है किचन। मुझे पर्सनली किचन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर लेडीज़ का सबसे फेवरेट प्लेस ही किचन होता है ना। तो किचन हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे किचन में जो ये अलमीरा है ना, ये वाला पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही सुंदर सा इन्होंने बना रखा है, बहुत ही प्यारा सा। ये है हमारा फ्रिज, ये है सारे रैक्स जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं, बहुत सिस्टमेटिक काम किया हुआ है इन्होंने, बहुत ही सुंदर सा। तो ये है मेरा प्यारा सा छोटू सा किचन। अब आइए मैं आगे दिखा दी हूँ, यहाँ हम धोते हैं बर्तन हमारे, ये है हमारा वॉशिंग मशीन, ये है हमारा एक्वा गार्ड जिससे हमारी आती है पानी, और ये है हमारे पीछे की गैलरी जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम हमारे सारे एक्स्ट्रा सामान वगैरह सारा रख देते हैं, जो सिलेंडर होते हैं वो भी हम हमारे घर के सारे बाहर ही रखते हैं ताकि घर सेफ रहे। और ये है पूरी गैलरी जो कि बहुत ही लंबी सारी है, बहुत ही लंबी है। ये जो है, ये है हमारे घर का आटा पीसने वाला आटा चक्की। तो अब आप लोग बोलोगे कि दीदी आप आटा खरीद के नहीं खाते हो,
नहीं जी, हम आटा खरीद के नहीं खाते हैं, हम आटा पीस के खाते हैं, क्योंकि हम बनिए हैं तो हमको हमारे घर का ही आटा चाहिए। और एक बात बताऊंगी, अब आप पूछोगे कि दीदी इसमें क्या है, तो इसमें है गेहूं, जो कि हम स्टॉक में लेके आते हैं राजस्थान से, बोरी की बोरी, इसमें से हम पीसती हैं। यहाँ पे गैलरी में सारा कचरा हो जाता है, यहीं से हम लेके जाते हैं। यहाँ पे जो भी कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह होते हैं वो सारे रखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हम जब बारिश के टाइम में और आता है तो यहाँ पे हम कपड़े भी सुखा लेती हैं, सारी चीज़ें सेट हो। यहाँ से ये उस वाले रूम में आप जा भी सकती हो, मतलब हर रूम के साथ गैलरी खुली है, सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको मैं लेके चलती हूँ हमारे घर के रूम्स में, आइए। ये है हमारा घर का किचन, आपने देख ही लिया है। अब मैं लेके चलती हूँ हमारे घर के रूम में, और जो लाइटिंग्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और एक बात, यहाँ पे ये जो बेल लगी है, ये प्रॉपरली नीचे बेल कोई प्रेस करेगा, हम वो डोर ओपन करेंगे तभी ये यहाँ पे हमको बता देंगे। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे और वो डोर ओपन हो जाता है, ये सिस्टम है हमारे घर का। और ये है हमारे घर का गेस्ट रूम, जो कि है स्पेशली मेरी दीदी लोग आती है उनके लिए, क्योंकि उनको परफेक्टली चाहिए। तो इस रूम में ना कोई सोता है, ना कोई आता है, ना कोई रहता है। ये मैं मेरी दीदी लोगों के लिए या मेरी जिठानियाँ या उनके लिए स्पेशली रखती हूँ, या कोई गेस्ट आए उनके लिए। ये है मेरा शूरेक, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे ये सारे अटीजी वगैरह जो भी रहते हैं वो सारा सामान हम सेट करके रख देते हैं। और ये है वो अलमीरा जहाँ पे हमारे सारे सामान रहते हैं, मेरे एक्स्ट्रा साड़ियाँ वगैरह जो भी मेरे को पहनी होती है यहाँ पे, वो सारी यहाँ पे हैं। इसमें सारे मेरे शूज़ वगैरह और एक्स्ट्रा वाले मेरे जेठू जी के, हेमंत के, सबके शूज़ रहते हैं। और यहाँ पे भी हमारे कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रहते हैं। इन ड्रॉयर्स में मेरे एक्स्ट्रा सारे सामान रखे हुए हैं, आप देख सक रहे हो, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक सेट हैं। इसमें पूरी की पूरी ज्वेलरी है, ये देखिए सारी चीज़ें हमने सेट की है कि ताकि जब भी हम खाली करिए तो खाली है मतलब जब भी हमको कुछ सामान चाहिए तो हमको प्रॉब्लम नहीं हो, जल्दी से मिल जाए, तो ऐसे ये रहती है। और यही इनके साथ इस रूम में ये अटैच वॉशरूम भी है, ताकि दीदी लोग आराम से या जो भी इस रूम में सोए उनको कंफर्टेबल हो, प्रॉब्लम नहीं हो इस रूम में रहने की। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम दूसरा वाला रूम। ये है दूसरा वाला रूम, जो कि है हम सबके लिए इक्वल है, यहाँ पे कोई भी सो सकता है। ये है जो अलमीरा है वो स्पेशली हेमंत के लिए है, इनमें सारे हेमंत के सारा सामान वगैरह इसी में रहते हैं, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाता है वगैरह। यहाँ पे भी वॉशरूम है, यहाँ का भी वॉशरूम कोई भी अटैच भी है, तो कोई भी आए कोई भी यूज़ करे वैसा वाला वॉशरूम है ये, कि यहाँ से भी खुलता है और यहाँ से भी खुलता है। ये है मेरा घर। अब आपको आगे दिखाती हूँ मैं मेरे घर का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मुझे पर्सनली मेरा ये हॉल अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। आप लोग बताना कि आपको मेरे घर पे कौन सा प्लेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, मुझे तो मेरा हॉल अच्छा लगता है। अब मिलाती हूँ मैं मेरे घर के लाले से, मंदिर में दिखाती हूँ। ये है छोटू सा मंदिर, जो कि यहाँ विराजमान है मेरे कृष्ण कन्हैया जी, हमारे घर का पूरा ध्यान रखते हैं। और ये है उनका रूम, उनके साथ सारे भगवान जी का रूम भी है, जिसमें है गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, हनुमान जी, करणी माता, इंद्र भाई साहब, सारे भगवान हमारे यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे ये जो ट्रंक है, इसमें सारा का सारा मेरा खजाना है, मतलब मेरे एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह सारे रहते हैं। ये ऊपर जो अटैची है ये सारे लाले की है। और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सा ऐसे ये खिड़की वगैरह खुल जाने से ये बाहर का व्यू आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत ही ज़्यादा पूरा खुला खुला सा है। और ये मेरे लाले का बेड है, सबका बेड होता है ना, तो ये मेरे लाले का रूम है तो लाले का बेड। अब मैं दिखाती हूँ मेरा रूम, जो कि आप लोगों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो ये है मेरा रूम, ये है मेरा रूम। तो यहाँ पे ये दो बिस्तर इसलिए लगे रहती हैं कि मैं, जेठू जी, हेमंत, कभी प्रियंका दीदी, कभी कोई भी दीदी, मतलब दो हमेशा चाहिए होते हैं हमको, तो हम ऐसे दो लगा के रखते हैं। और आपको दिखाऊं, ये है मेरे लाले का बेड, क्योंकि लाला भी हमारे साथ ही सोता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो मेरे रूम से भी बहुत ही प्यारी सी व्यू आती है, जब हम सुबह ये पर्दा हटा के हटाते हैं ना, बहुत ही सुंदर सा व्यू आता है। ये देखिए, मतलब ऐसा लगेगा कि हम गोवा में रह रहे हैं, सीरियसली बहुत बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। यहाँ से भी हम डायरेक्ट गैलरी में जा सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट गैलरी में जा सकते हैं, मतलब इतना अच्छा सिस्टम कर रखा है इन्होंने घर का। ज़्यादा फर्नीचर वगैरह मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने बेड वगैरह भी अभी करवाए नहीं है, क्योंकि जब नीड होगी तब करेंगे हम। ये है मेरी अलमीरा, जो कि यहाँ रहते हैं मेरे और जेठू जी के कपड़े, क्योंकि इस अलमीरा में मैं रखती हूँ ज़्यादा मेरे वेस्टर्न वगैरह सारे कपड़े, यहाँ पे जेठू जी के हैं, यहाँ पे मेरे हैं। और इस वाले अलमीरा में रहते हैं मेरे खजाने, मतलब मेरा साज सिंगार। तो ये है मेरा खजाना, इसमें सारे हमारे ही सामान वगैरह रहते हैं इसमें। ये सारा हमारा अलमीरा हो गया सेट। और यहाँ पे है मेरा वॉशरूम,
चूँकि ये मेरा वॉशरूम है, मैं और मतलब इस रूम में जो सोती हूँ वो यूज़ करती हैं। तो ये हो गया है बहुत ही प्यारा सा मेरा होम, जो कि आप लोगों को मैं दिखा दी, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत टाइम से उनके मन में था कि दीदी आपका होम टूर कराओ, होम टूर कराओ। तो यहाँ हो गया है मेरा होम टूर कंप्लीट। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर 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 कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और खूब 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 सारा प्यार दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नया लेके आएंगे। बाय।